पतंजलि ऋषिकुल प्रयागराज, कक्षा 5, विषय हिंदी व्याकरण, प्रकरण विलोम शब्द। सुप्रभात बच्चों, आशा है आप सभी घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। इस समय बच्चों बहुत अधिक ठंड पड़ रही है, तो ठंड में ऑनलाइन क्लासेस का मज़ा तो आप सभी लोग ले ही रहे होंगे, और साथ ही साथ बच्चों ठंड से बचाव भी बहुत ज़रूरी है। जैसे ठंड में गर्म कपड़े पहनकर रखना और गुनगुना पानी पीते रहना, तो पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं ना सभी बच्चे। तो आइए आज हम विलोम शब्द किसे कहते हैं ये जानने का प्रयास करते हैं। तो विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। इन्हें हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हर्ष, हर्ष का मतलब होता है खुशी, और हर्ष का उल्टा अर्थ क्या हो जाएगा, विषाद। तो चलिए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से विलोम शब्द को और भी अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। विलोम शब्द एंटोनिम्स। बच्चों हिंदी भाषा में विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों की कोई कमी नहीं है। ऐसे शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। दिए गए चित्रों में आप देख सकते हैं कि शब्दों के जोड़े एक दूसरे के विपरीत अर्थ बता रहे हैं। गरीब अमीर, दिन रात। ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। शब्द अंधकार, विलोम प्रकाश, अपना पराया, अमीर गरीब, अमृत विष, आकाश पाताल, अनुकूल प्रतिकूल, आदर निरादर, आस्तिक नास्तिक, आय व्यय, आना जाना, आदि अंत, अस्त उदय, आदान प्रदान, उत्तर प्रश्न, उपकार अपकार, उच्च निम्न, उन्नति अवनति, उत्थान पतन, एक अनेक, कायर निडर, कठोर मुलायम, गीला सूखा, जन्म मृत्यु, जय पराजय, जड़ चेतन, लोक परलोक, सच झूठ, एकता अनेकता, अनुज अग्रज, प्रातः साय। जो आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से विलोम शब्द का ज्ञान हो गया होगा। धन्यवाद।